सो इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे केंड्रिक लमार ने डिस किया है ड्रेक एंड जे कोल को इन द एल्बम ऑफ फ्यूचर्स एंड मेट्रो वी डोंट ट्रस्ट यू एंड इफ यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो देन प्लीज गो लुक एट दिस वीडियो। मैंने बहुत ही मेहनत से वो वीडियो बनाया और आपको पूरी कॉन्ट्रोवर्सी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली वो बैटल ड्रेक वर्सेस फ्यूचर के बीच में था और अलायंस बन चुकी है, आधे आर्टिस्ट ड्रेक के साइड से जा चुके हैं एंड हाफ ऑफ द आर्टिस्ट इज मेट्रो एंड फ्यूचर के साथ है। पर कुछ ही दिनों बाद ड्रेक का एक कोट आया था अपने इंस्टाग्राम पे जिससे फैंस कह रहे कि उन्होंने रिप्लाई दिया है केंड्रिक लमार और सारे उनके ऑप्स को। तो ये कितना सच है और कितना झूठ है यही हम बात करने वाले इस वीडियो में, सो डोंट स्किप दिस वीडियो अंटिल द एंड। आइए देखते हैं बैडचन मजाएगा। केंड्रिक लमार ने अपने डिस से क्लियर कर दिया है कि हिप हॉप इंडस्ट्री में वन ऑफ द की एलिमेंट जो है वो है कॉम्पिटिशन और उसी की मदद से आप टॉप पे रह सकते हैं। ड्रेक एंड केंड्रिक लमार इन दोनों आर्टिस्ट का बीफ कई सालों से चलता आ रहा है। दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे पे सबलिमिनल शॉट्स लेते आ रहे हैं बट इस डिस के बाद क्लियर हो चुका है कि केंड्रिक लमार ने वॉर शुरू कर दी है। Yeah. Motherfuck the big three, nigga. It's just big me, nigga. I'm really like that. 2015 ने केंड्रिक लमार ने कंट्रोल वर्स में पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री को डिस कर दिया था इंक्लूडिंग ड्रेक। Goes for Jermaine Cole, Big Crit Wale, Pusha T, Meek Mills, ASAP Rocky, Drake, Big Sean, J Electron, Tyler McMillan. I got love for you all, but I'm trying to murder you niggas. After dropping the diss, ड्रेक ने अपने ऑफिशियल आईजी पे एक पोस्ट किया था जिसके कैप्शन में लिखा था दे विल रादर गो टू वॉर विद मी देन एडमिटिंग दे आर देयर ओन वर्स्ट एनिमी। सो क्लियरली ड्रेक ने ये केंड्रिक लमार के लिए कहा है कि वो मुझसे वॉर करना पसंद करेंगे रादर देन एडमिटिंग कि वो खुद के दुश्मन है। ड्रेक एंड केंड्रिक लमार के कॉन्ट्रोवर्सी में जे कोल फंस गए बिकॉज इस सॉन्ग में मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द शॉट्स केंड्रिक लमार ने ड्रेक पे लिए थे और जे कोल को बस एक वार्निंग दी थी। बट द प्रॉब्लम इज जे कोल का दोनों रैपर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है इसलिए मुझे नहीं लगता पर्सनली कि जे कोल कोई रिस्पॉन्स देने वाले हैं केंड्रिक लमार को। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन देसी हिप हॉप में हुई थी कुछ सालों पहले जब राज जोन्स के इंटरव्यू में रफ्तार ने कहा था क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे और एमिवे ने रफ्तार को डिस किया था क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू गिराने के लिए रफ्तार ने एमिवे का रेफरेंस लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल हिप हॉप में हो रहा है वो कई सालों पहले DHH में ऑलरेडी हो चुका है और अलायंस बन चुकी है। So guys, if you like this video, share this video, comment on your opinion about the international hip hop and follow us for the more.